कई सारे इसके फीचर्स हैं, बेसिकली चार पांच फीचर्स, कि सबसे पहली चीज हर किसी को चुनने का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कुछ समुदाय वोट दे रहे हैं, कुछ समुदाय वोट नहीं दे रहे हैं। आदमी वोट दे रहे हैं, औरतें वोट नहीं दे रही हैं, अमीर लोग वोट दे रहे हैं, गरीब लोग नहीं दे रहे हैं। आपको सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो और हर वोट की बराबर कीमत हो, तब जाके आप उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। सेकेंड, जो भी पार्टीज या कैंडिडेट्स जो चुने जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ चॉइस मिलना चाहिए लोगों को कि इतने सारे ऑप्शंस में से आप चुन के बताएं। अगर एक ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, तो इसे भी हम प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते। तीसरी चीज, ये जो चॉइस ऑफर्ड है, ये टाइम टाइम पे होना चाहिए, एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसी वजह से हर कुछ सालों में चुनाव होते हैं। चौथी बात, कि जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया है, एक्चुअली वो चुनकर आए। इसमें गड़बड़ झाला नहीं होना चाहिए कि लोगों ने इस आदमी को ज्यादा वोट दिया लेकिन बन कोई और गया। और पांचवी चीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये पांच ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके सेंस से हम कह सकते हैं कि चुनाव, लेकिन फिर भी उस सेंस में पैसा कम रखा जाए तो कहा जाता है कि चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लेकिन ये जरूरी है कि फेयर कम से कम तो हो इतना, और वोट देने के लिए कम से कम पैसा नहीं लगे, इतना तो कम से कम। तो ये पांच क्राइटेरिया हैं, जिन पांच क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि चुनाव हो रहे हैं तो डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। ये शोपीस के चुनाव नहीं है कि राजा ने चुनाव करवाया है और बस एक ही उसमें ऑप्शन है कि मुझे ही को वोट देना है, और ऐसे कई सारे देशों में ऐसे चुनाव होते हैं, इस वजह से ये बात आती है।